हेलो गाइस, मैं नीतीश मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड्स ऑफ पेरी की ऑफिशियली सेट फुटेज के बारे में, जो कि अभी हाल ही में रिसेंट में लीक हुई है। यही सेम सेट फुटेज हमें पहले भी देखने को मिली थी, तो इसका मतलब इस मूवी का रीशूट दोबारा से हुआ है और इस सीन को दोबारा से रीशूट करा जा रहा है। बस डिफरेंट ये है कि हार्ली क्विन पिछले वाले शूट में पीछे थी और इस वाले शूट में आगे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। देन उसी के साथ हमें सेट फुटेज देखने को मिली दी इंटरनल्स की, जिसमें कि हमें एंजेला जोली पहली बार व्हाइट बालों में व्हाइट ड्रेस में देखने को मिली। ये एक्चुअल में थेना का रोल प्ले करने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। और देन उसी के साथ ये क्या कर रही है उस तालाब के पास और आग जल रही है, और हमें कोई भी ऐसा ईस्टर एग अभी तक देखने को नहीं मिला है जिससे कि हम इस सीन का ब्रेक डाउन कर सकें। पर एक्चुअल में जो भी होने वाला है वो काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि मार्वल की मूवी है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पार्ट के बारे में, जो कि है फार फ्रॉम होम के। तो इस फार फ्रॉम कौन सा पार्ट में हमें देखने को मिला मकड़ियाँ जाले। ये शायद वही मकड़ी है जो कि पीटर पार्कर को काटती है जिससे कि वो स्पाइडरमैन बनता है, पर ये सीन डिलीट कर दिया गया, मूवी में नहीं दिखाया गया। पर कौन सा पार्ट के जरिए ये चीज़ रिवील्ड होती है कि हाँ, मूवी में कुछ ऐसा सीन भी होने वाला था जिसमें कि पीटर पार्कर उस मकड़ी को देखता है जो उसे काटती है और जिससे कि वो स्पाइडरमैन बनता है। तो काफ़ी कमाल का सीन और खतरनाक लग रहा है, और शायद VFX से मूवी में हमें और भी अच्छा लगता। अब बात करते हैं ब्लैक विडो के अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि ब्लैक विडो मूवी में हमें मल्टीपल ब्लैक विडो देखने को मिलेंगी। जी हाँ, जिसमें कि एलेना भी रोल प्ले करने वाली, स्कारलेट जॉनसन तो है ही ब्लैक विडो, और भी एक दो कैरेक्टर हैं। तो इस मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है और उनकी जो क्रू मेंबर टीम है, जो कास्ट है, वो पार्टी वगैरह कर रही हैं। और उनके जो इंस्टाग्राम पोस्ट से ये कंफर्म हो जाता है कि इस मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है और शायद अब एडिटिंग पे काम चल रहा है और ट्रेलर पे काम चल रहा होगा कि कब लॉन्च करना है। ये सारे कुछ अपडेट आएंगे आने वाले फ्यूचर में ट्रेलर से रिलेटिव। और इसी के साथ जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि सुसाइड स्क्वाड 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है परसों से। ये अपडेट बहुत पहले आया था, पर मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं बता नहीं पाया। जोकर के ऑफिशियली कुछ पोस्टर लॉन्च हुए जो कि काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। इन पोस्टर से ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, जोकर कितने ज़्यादा दर्द में है। जी हाँ, एक तरफ उसका कलर और एक तरफ उसका रियलिटी दिखाई है, तो इन पोस्टर से ये तो क्लियर हो जाता है। तो इंतजार करिए जोकर मूवी का, जो कि 4 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। उसी के साथ नाइट विंग हमें देखने को मिलेगा टाइटन सीजन के अपकमिंग एपिसोड्स में। जी हाँ, इस दिन का इंतजार है जब मैं टाइटन सीजन 2 में नाइट विंग को भी देखूंगा। इसके ऊपर एक ऑफिशियल मूवी भी बन रही है वॉर्नर वॉर्स में। मार्वल स्टूडियो कास्ट करने की कोशिश कर रहा है एक 22 से 27 साल की लड़की जो कि मिस मार्वल का रोल प्ले कर सके। तो हाँ, अभी जब कोई ऑफिशियल अनाउंस होगा मैं आपको बता दूंगा। एलन ने एक हॉक की इमेज डाली है बिहाइंड द सीन की, जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है, और ये उन्होंने पोस्ट करा है इंस्टाग्राम पर। देन उसी के साथ स्टेफनी का एक रूमर चल रहा है कि वो शी हल्क का रोल प्ले कर सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो भी डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज में। तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। उसी के साथ नेटफ्लिक्स की टॉल गर्ल हिंदी में रिलीज हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देखो, काफ़ी कमाल की मूवी है, एंजॉय नाउ। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पे थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।